तो भाई हम यहाँ पे आए थे चारा लेने गाय का। चाय रखा था, माँ करके चली नहीं थी, जो हमने उठा के नाव पे रख लिया है। बस इसे नाव से पार करके ले जाना है। तो अब चल रहे हैं दोस्तों, बहुत कीचड़ है। यहाँ पे धक्का लगाना पड़ेगा हमें नाव को, चल नहीं पाएगी भैया। हाय दोस्तों, कैसे हो? जरूर ठीक होगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग वीडियो में हम ट्रेन से सफ़र किए थे और आपको सिंध नदी का ब्रिज दिखाया है। आप शायद वो वीडियो देखे हों तो देख लेना। मैंने वीडियो वो इसलिए बनाया था क्योंकि सिंध नदी के जो ब्रिज हैं उसके आगे रेलवे ट्रैक ख़राब हो गया है और उस टाइम पे बहुत सारा काम चल रहा था, बहुत सारा लोग था। तो मैंने सोचा ऐसे ही मैंने वीडियो बना लिया था और उसका ब्लॉग डाल दिया था। देख रहे पानी में कितना घास हो गया। माई विलेज इधर है, एकदम पहाड़ के किनारे इसी तरफ है। ये लग रहा बीच पानी में खजूर का पेड़ और यहाँ पे चिड़ियों के घोंसले बन रखे उन पे। जाल डाल गया कोई मछली का, दिख नहीं रही कोई फंसी इसमें। ओ वहाँ पे दो नाव है, मछली पकड़ी जा रही हमें लग रहा। ओ मछली फंस गई, मछली ओहो ये फंस गई। बीच धार में आ गए हम अब। क्या मस्त लग रहा भाई आज तो, बादलों में सूरज छिप रहा। इधर एक बोट जा रही बहुत बड़ी, मैं दिखाऊं आप लोगों को। ये जा रही, हम इस ब्लॉग के पहले तीसरे वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे और गांव से नदी पार करके बड़ी बोट से मंदिर गए थे विलेज के। आप लोगों ने देखा भी हो सकता है और देखा भी होगा, तो वही वाली बोट है। देख लो भाई अब नाव के पास आ गए हम बहुत ही। अब यहाँ पे जाल डाले जा रहे मछली पकड़ने के। तो लो भैया अब आ गए हम नाव पार करके इस तरफ और हमारी नाव भी किनारे पे लग गई। थोड़ा दिक्कत तो होगा ही क्योंकि चारा भी लेना, नाव का पतवार लेना। भैया बस पहुंचे जा रहे थोड़ी देर में। तो लो भैया हम आ गए अब अपने बगीचे में चारा लेकर। पतवार को यहाँ रख देते हैं, ये रख दिया। और गाय देख लो कैसे दिख रही,
चारा के लिए। ये डाल लिया चारा, लो खा लो। तो दोस्तों हम गए थे नदी पार चारा लेने, थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि वीडियो भी बनाना था और आप लोगों को दिखाना था नाव चलाई, पर अच्छा भी लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और मनोज एंड बिलोंग चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।